आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इन किडनी ऑफ मैन इज अबाउट। तो हमारे किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ये मैन में कितना होगा। अब देखिए, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे यूरिन फॉर्मेशन का, जिसमें फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ये होगा ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस, और इसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म ये ग्लोमेरुलस के हेल्प से, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट ये हो जाएगा पर मिनट, इसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और इसी को GFR भी बोलते हैं इन शॉर्ट। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमें ढूंढना है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, आउटवर्ड प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर माइनस इनवर्ड प्रेशर, इनवर्ड प्रेशर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस हम बोलेंगे कि ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसका इक्वेशन जो हमने लिखा है वो एग्जैक्टली अगर न्यूमेरिकली लिखना हो तो 70 mmHg माइनस 28 mmHg प्लस 20 mmHg। अब इसका आंसर कितना होगा, 22 mmHg। तो ये हमारा क्या आया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो 22 mmHg। तो हमारे ऑप्शन की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये बिटवीन हो जाएगा 20 to 25 mmHg, तो ये होगा हमारा सही आंसर और बाकी के आंसर हो जाएंगे गलत। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।